सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ओरासोल जेल के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ओरासोल जेल जो कि ज़्यादातर माउथ अल्सर्स को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, बट इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि माउथ अल्सर्स के अलावा किस प्रकार के प्रॉब्लम्स को यह ठीक करती है जो कि हमारे माउथ के अंदर हो जाता है। तो साथ ही साथ हम वीडियो में यह भी जानेंगे कि इसकी कितनी मात्रा हमें लगानी चाहिए, लगाने का सही तरीका क्या है, एवं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज वीडियो के लास्ट में हम यह सीखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को माउथ अल्सर्स हो जाता है और वह ओरासोल जेल का प्रयोग करता है तो उसको क्या क्या चीज़ें खाने में भी अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, तो इन महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि जो दवाओं की अधूरी जानकारी होती है वह काफ़ी घातक होती है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, एवं चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें एवं पास में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबाएँ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं हूं आपका दोस्त किशन, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ओरासोल आपका दवा का ब्रांड नेम है। हम अगर इसके मूल कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसमें आपका लिग्नोकेन, ग्लिसरीन एवं मिंट होता है, बट इसके अलावा कुछ और कंपोजिशन होते हैं जिसका नेम आपको ऊपर डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तो ये इनके कुछ कंपोजिशन हो। अगर हम ओरासोल जेल के यूजेज के बारे में विस्तार से जानते हैं तो यदि कोई व्यक्ति जिनको माउथ अल्सर्स हो गए हो, मतलब उसके मुंह के अंदर कहीं पे भी छाले पड़ गए हो, अल्सर्स हो गए हो, चाहे वह जीभ पे हो गया हो, चीक के इंटरनल हिस्से में हो गया हो या फिर हमारे लिप्स के इंटरनल हिस्से में हो गया हो, तो इन सारे जगहों पे अगर आपको अल्सर्स हो गया हो तो इनके ट्रीटमेंट में आपको इसका प्रयोग किया जाता है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ व्यक्ति को यदि माउथ अल्सर होता है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, इरीटेशन भी होता है, तो जब आप ओरासोल जेल का प्रयोग करते हैं तो विद इन टू मिनट्स आपको पेन से रिलीफ मिल जाता है। तो ये थे इनके यूजेज, बट इसके अलावा अगर हम और इसके यूजेज की दोस्त देखते हैं दोस्तों, तो यदि कोई व्यक्ति जिनको माउथ में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, मतलब मुंह के अंदर चाहे वो उसके मसूरों में हो गया हो या फिर जीभ पे हो सकता है, पूरे माउथ में कहीं पर भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो डॉक्टर कई बार वहाँ पर भी आपको इसे प्रिस्क्राइब करते हैं एवं इसका बहुत बेटर रिजल्ट आपको वहाँ पर भी कई बार देखने को मिल जाता है। अब हम वीडियो में जान लेते हैं दोस्तों कि ओरासोल जेल का प्रयोग कैसा करना चाहिए, मतलब हाउ टू यूज ओरासोल जेल। तो इसका प्रयोग अगर हम बात करें कैसे करें आप, तो सबसे पहले आप अपने हाथ को वॉश कर लें, आप अपने वॉश को अच्छे से धो लें, उसके बाद आप अपने फिंगर टिप पे एक सफिशियमेंट अमाउंट, मतलब एक जितना उचित मात्रा में आप इस जेल को रखें एवं इफेक्टेड एरिया पर लगाएँ, जहाँ पे आपको अल्सर हो रखा है सिर्फ आप उन जगहों पे लगाएं, देन विद इन टू मिनट्स आपको पेन फील होना बंद हो जाएगा एवं बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगा। आप ऐसे दिन में 3 से 4 बार प्रयोग में ले सकते हैं, आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा एवं बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब हम वीडियो में जान लेते हैं दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति जो को माउथ अल्सर्स हो गया हो एवं वह ओरासोल जेल का प्रयोग कर रहा हो, या फिर अगर ओरासोल जेल का प्रयोग नहीं भी कर रहा हो और उसको माउथ अल्सर्स हो गए हो, तो उनको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति को स्पाइसी खाना अवॉइड करना चाहिए, जिसमें मिर्च मसाले तेल ज़्यादा होते हैं, वह स्पाइसी फूड आप हटाएँ, चाहे जो फास्ट फूड भी आप खाना थोड़ा बंद कर दें। इसके अलावा आप गर्म चीज़ ना खाएं, जैसे कि अगर आप चाय पीते हैं गर्म या कॉफ़ी पीते हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग भी ना करें। तो ये कुछ आपको सावधानियां रखनी पड़ती है, साथ ही साथ गुड डेंटल हाइजीन को भी मेंटेन करें। तो फ्रेंड्स, यह था संपूर्ण डिटेल्स आपका ओरासोल जेल के बारे में, जिसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ माउथ अल्सर्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो हो सकता है कोई व्यक्ति जिनको माउथ अल्सर से संबंधित समस्या हो या किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो रखा हो तो वह मेडिसिन का नॉलेज प्रॉपर ले सकता है। तो फ्रेंड्स, आप थे अपने दोस्त किशन के साथ, तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।